हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने जीटी सैन एंड्रियास डेफिनेट एडिशन गेम में लैग को फिक्स कर सकते हो। गाइस गाइस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कैसे आपको इस गेम को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है और कैसे इसको रन करना है गाइस। एंड मेरा गेम काफी ज्यादा लैग हो रहा था गाइस, तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ कैसे उस लैग को फिक्स करना है गाइस एंड जीटी सैन एंड्रियास डेफिनेट एडिशन को अपने लैपटॉप में स्मूथली रन करना है। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस लैग को फिक्स करने के लिए मैं गेम के ऑप्शंस में चला जाऊंगा एंड यहां पे चला जाऊंगा मैं ग्राफिक्स में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस। तो गाइस ग्राफिक्स सेटिंग में मैं सिर्फ विजुअल सेटिंग को ही लो रखूंगा ताकि मेरा जो गेम प्ले है वो स्मूथली रन कर सके एंड विदाउट लैग रन कर सके गाइस। तो गाइस फर्स्ट इज विजुअल इफेक्ट, तो गाइस मैं इसको लो रखूंगा एंड डिस्प्ले मोड को आप फुल स्क्रीन रखना, फ्रेम रेट 30, जैसे 60 या अनलॉक होगा तो आप उसको 30 रख सकते हो गाइस। रेजोल्यूशन को गाइस आप वही रखना जो आपका मॉनिटर का करंट रेजोल्यूशन है, जैसे मैंने देख लिया है कि मेरे कंप्यूटर का रेजोल्यूशन 1920 है तो मैंने वो रख रखा है। तो गाइस अगर आप रेजोल्यूशन सही नहीं रखोगे गाइस तो आपका गेम ब्लर दिखेगा एंड आप अगर देखना चाहते हो कि आपके लैपटॉप का रेजोल्यूशन क्या है तो आप जाकर के डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के देख सकते हो गाइस। तो गाइस मैं 1920x1080 का रखा है, तो वो आप देखना कि आपका क्या है वो आप रखना। डिसिंक को ऑफ रखना गाइस, एंटी अलियासिंग को ऑफ रखना एंड फिल्टरिंग को आप 2x रखना एंड डिस्टेंस स्केलिंग को क्लोज, टेक्सचर क्वालिटी को लो रखना गाइस एंड कार्ड रिफ्लेक्शन को आप गाइस स्क्रीन या क्यूब मैप रख सकते हो गाइस एंड क्लाउड क्वालिटी को मटेरियल, रिफ्लेक्शन को लो, सिटी ग्लो इफेक्ट को आप ऑफ रख लेना गाइस, राउंड हेज को आप ऑन रख सकते हो रखना चाहो तो, वर्ल्ड शैडो क्वालिटी को आप ऑफ रखना, एम्बियंट को आप ऑफ रखना गाइस, ब्लूम को भी आप ऑफ रखना, मोशन ब्लर को भी ऑफ रखना गाइस, डेप्थ ऑफ फील्ड को भी आप ऑफ रखना एंड स्ट्रीट लाइट क्वालिटी को आप मीडियम या लो रख सकते हो गाइस। मैंने यहाँ पे मीडियम रख रखा है, तो आप अगर आप चाहो तो अगर आपके लैपटॉप के हिसाब से अगर आप उसको लो रखना चाहते हो लो रख लेना या मीडियम रख लेना गाइस। तो मैं गाइस इसको मीडियम रखूंगा एंड व्हीकल लाइट क्वालिटी को भी आप मीडियम रख सकते हो गाइस। सो गाइस नेक्स्ट इज गाइस कंट्रोल में आप माउस सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो डिक्रीज कर सकते हो गाइस, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो गाइस अब नाउ मैं इस गेम को एग्जिट कर दूंगा। So guys, next step we need to do is कि हमें जाना होगा डॉक्यूमेंट में एंड here in Rockstar Games and GTA San Andreas Definitive Edition and config and Windows No Editor and यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे गेम यूजर सेटिंग को इन नोटपैड। एंड गाइस अब इसमें मैं जो भी विजुअल सेटिंग को जीरो करूं गाइस आप उसको जीरो कर लेना गाइस एंड उसको सेव कर लेना गाइस। एंड गाइस इसमें विजुअल सेटिंग को जीरो करने के अलावा आप किसी भी चीज को डिलीट मत करना, और अगर आपसे गलती से हो गया गाइस तो इसको बिना सेव किए हुए क्लोज कर देना गाइस एंड फिर से इसको ओपन करना एंड वो सारे सेटिंग को जीरो करना जो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है गाइस। तो गाइस फर्स्ट इज की रेजोल्यूशन क्वालिटी जो भी 100% है तो मैं इसको उठा के 30% या 40% कर दूं गाइस। तो गाइस मैं इसको 40% कर देता हूं। नेक्स्ट इज शैडो क्वालिटी, तो गाइस हमें सारे शैडो क्वालिटी को क्लोज करना है या जीरो करना है गाइस, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा फॉल्स, देन फॉल्स क्वालिटी को भी जीरो कर दूं गाइस एंड शेडिंग क्वालिटी को भी मैं कर दूंगा जीरो गाइस। एंड गाइस अब मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट लाइन में ग्राफिक्स में एंड यहां पे मैं चेक कर लूंगा कि यहां पे मुझे जैसे आप देख सकते हो रेजोल्यूशन परसेंटेज, और हमें सारे रेजोल्यूशन परसेंटेज को 100% से घटा के 30-40% करना है अगर आपका लो एंड लैपटॉप है। तो गाइस यहां पे 40% कर लूंगा गाइस एंड गाइस टेक्सचर क्वालिटी को जीरो कर दूंगा गाइस, रिफ्लेक्शन क्वालिटी जीरो, कार्ड रिफ्लेक्शन मेथड जीरो। सो गाइस ये सब करने के बाद हमारे गेम का जो शैडो क्वालिटी है वो एकदम सही हो जाएगा जो हमारे लैपटॉप के हिसाब से हो जाएगा गाइस। तो गाइस अब मैं इसको सेव कर लूंगा गाइस एंड इसको क्लोज कर दूंगा। सो गाइस इसको करने के बाद आप अपने लैपटॉप में गेम मोड ऑन है कि नहीं है वो जाकर चेक कर लोगे गाइस। मैं सर्च में जाऊंगा और गेम मोड टाइप कर लूंगा, तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा गेम मोड ऑन है। तो अगर आपका गेम मोड अगर ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना गाइस, तो एंड इसको क्लोज कर लेना। सो गाइस ये सारी सेटिंग करने के बाद हम लोग गेम ऑन कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि अब हमारा गेम लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस मैं गेम ऑन कर लिया। सो गाइस आप देख सकते हो कि पहले हमारा गेम कितना ज्यादा लैग कर रहा था गाइस, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो गाइस। एंड अब आप देख सकते हो कि हमारा गेम प्ले कितना स्मूथली रन कर रहा है गाइस।
तो गाइस दिस इज द वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मेरे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस, तो आप वहां जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। एंड आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो गाइस आप उसको कमेंट पे मेंशन कर सकते हो गाइस, एंड मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।